सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द बेस्ट एंड टॉप कोर्सेज यू कैन डू आफ्टर योर क्लास 12th इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ PCM। सभी कोर्सेज के बारे में मैं बिल्कुल आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ साथ हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की कि क्लास 12th में आपके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए अगर आप इन कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हो। साथ साथ हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसीजर के बारे में कि आपको इंडिया के कौन से वो एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम आपको क्रैक करने होंगे, उनकी प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर सकते हो, कब आपको उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी अगर आप ये कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हो। और लास्टली बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, ये कोर्स करने के बाद आपके पास जॉब और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, कितना पैसा कितनी मनी आप अर्न कर सकते हो इन इंडिया अगर आप इन कोर्सेज को परस्यू करते हो। तो सब चीजों के बारे में बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जो फर्स्ट हमारा जो कोर्स आ जाता है वो सबसे डिमांडेड कोर्स आता है बिटवीन द साइंस स्टूडेंट, जो कि आ जाता है बैचलर इन टेक्नोलॉजी और इन इंजीनियरिंग। ये कोर्सेज आप काफ़ी ब्रांचेस में परस्यू कर सकते हो, लाइक आपका कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल, मैकेनिकल, टेक्निकल, टेली कम्युनिकेशन, काफ़ी इसमें ब्रांचेस होती हैं। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप जिस ब्रांच में ये कोर्स करना चाहते हो उस ब्रांच में ये कोर्स को परस्यू कर सकते हो। इस जो कोर्स की ड्यूरेशन रहती है वो आपकी 4 ईयर्स रहती है, मीन्स इसमें आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, 1 ईयर में आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट कराए जाते हैं। क्लास 12th में मिनिमम आपकी 75% मार्क्स होने चाहिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हो। बाकी इसमें जो एवरेज कॉलेज होते हैं वहां पर परसेंटेज आपका थोड़ा 50% भी चल जाती है। बाकी एससी एसटी और ओबीसी के लिए 5-3% के जो मार्क्स होते हैं उनकी भी रिलैक्सेशन होती है। बात करते हैं इसकी एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑल इंडिया लेवल पर यहां पर आपका एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है बाय आईआईटी जेई नाम का आपका एग्जाम होता है। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हो तो आप जो गवर्नमेंट कॉलेज है और जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से आप अपना जो बीटेक का कोर्स है जिस भी ब्रांच में आप चाहते हो उसको परस्यू कर सकते हो। सेम ऐसी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिनमें जो स्टेट यूनिवर्सिटीज और स्टेट कॉलेजेस होते हैं उनमें आप जो बीटेक का जो कोर्स है उसको परस्यू कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कि अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी। देखो, आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इन दोनों की जो मतलब कि बीटेक के लिए जो एग्जाम होता है IIT JEE उसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग अवेलेबल होती है। आप उसको कोचिंग के थ्रू मतलब प्रिपेयर करके भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको मिनिमम 1 ईयर की प्रिपरेशन आपको चाहिए होगी। और अगर आप इसको सेल्फ स्टडी से क्रैक करना चाहते हो तो आपको यहां पर एक अच्छी गाइडेंस और एक अच्छे मेंटर की नीड होने वाली है। अब हम बात करते हैं ये एग्जाम क्रैक करने के बाद, ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो जिस भी ब्रांच में आप यहां पर इस डिग्री को परस्यू करोगे उस पर्टिकुलर ब्रांच के आप इंजीनियर बन सकते हो। लाइक आपका कंप्यूटर साइंस, आप सिविल इंजीनियर बन सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो, टेक्नोलॉजिकल इंजीनियर्स जो आपके सारे इंजीनियर्स होते हैं, डाटा एनालिस्ट हो गया, काफी टाइप के आपके इंजीनियर्स आप बन सकते हो। साथ साथ जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है लाइक यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, जो यहां पर गवर्नमेंट जॉब्स होती है, सिविल सर्विस होती है, वहां पर भी आप जा सकते हो क्योंकि ये एज अ बैचलर डिग्री भी यहां पर आपने कंप्लीट की है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑन अराउंड आप 3 लाख से लेकर 30-40 लाख पर एनम एवरेज अर्न कर सकते हो अगर आप एक अच्छे कॉलेज से यहाँ पर डिग्री परस्यू करते हो। तो लाइक आपका NIIT, NIITs और जो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होगी वहाँ से अगर आप ये डिग्री परस्यू करते हो तो आप इवन करोड्स में भी यहाँ पर अर्न कर सकते हो। जो आपकी प्लेसमेंट होती है उस पर भी डिपेंड करते हैं किस कंपनी में आपकी प्लेसमेंट हुई है। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन रहेगा अगर आप जो बीटेक की डिग्री है वो एक अच्छे जो कॉलेज है उससे परस्यू करते हो। सेकंड जो हमारा कोर्स आता है वो आ जाता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। सेम जैसे आपका बीटेक का कोर्स होता है सेम आपका ये भी कोर्स होता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5 इयर्स होती है और यहां पर भी क्लास 12th में आपको मिनिमम 75% मार्क्स लाने होते हैं तभी आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। सेम जैसे एडमिशन प्रोसीजर आपका बीटेक का था सेम आपका जो एडमिशन प्रोसीजर होता है फॉर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर सेम वही रहता है। IIT JEE का आपको एग्जाम क्रैक करना होता है और स्टेट जो यूनिवर्सिटीज होती है उनके लिए अलग से एग्जाम होता है वो आपको क्रैक करना होता है तभी आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। ये कोर्स परस्यू करने के बाद आपके पास काफी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे कि आप इंटीरियर डिजाइनर और जो आर्किटेक्चर होते हैं इन जॉब और करियर्स को परस्यू कर सकते हो। ऑन अराउंड आप 3 लाख से लेकर 30-40 लाख सेम वही आप अर्न कर सकते हो, इवन और ज्यादा भी अर्न कर सकते हो क्योंकि अगर आप इंडिया में अभी देखो इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है तो यहां पर जो आर्किटेक्चर हो गए, इंटीरियर डिजाइनर हो गए, इनकी अभी काफी नीड है
तो ये कोर्स करने के बाद आप काफी अच्छी जो मनी है उसको अर्न कर सकते हो। सो नेक्स्ट और जो थर्ड आपका कोर्स आ जाता है वो आपका आ जाता है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में आपके डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, लाइक आपका बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये कोर्स आप परस्यू कर सकते हो। इन कोर्स की जो ड्यूरेशन रहती है वो आपका जो अगर आप बीएससी करते हो तो उसकी 3 इयर्स रहेगी, और अगर आप बीई मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करोगे तो आपकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 4 इयर्स आपकी रहेगी। क्लास 12th में भी आपको यहां पर हाई परसेंटेज आपको सिक्योर करनी होगी तभी आप इन कोर्सेज को परस्यू कर पाओगे। ऑल इंडिया मर्चेंट नेवी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एग्जाम आपको क्रैक करना होगा। उसकी प्रिपरेशन के लिए भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो, जैसे आपने बीटेक और जो आपका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर था सेम उसी तरीके से आपकी इसकी कोचिंग होती है। आप इसको सेल्फ स्टडी से भी क्या कर सकते हो, एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये एग्जाम क्रैक करने के बाद, ये डिग्री परस्यू करने के बाद आप मर्चेंट नेवी जो नेवल नेवी है उसमें आप एज अ वर्क कर सकते हो, और 10,000 से लेके 8 लाख पर मंथ आप जो मनी है वो अर्न कर सकते हो आफ्टर डूइंग दिस डिग्री। नेक्स्ट एंड जो फोर्थ आपका कोर्स आता है वो आपका जाता है पायलट। देखो इंडिया में पायलट बनने के लिए आपको काफी अच्छी पढ़ाई करनी होगी, साथ साथ आपको काफी अच्छा खर्चा भी करना होगा। मिनिमम आपको 1 करोड़ रुपीज यहाँ पर लग जाते हैं आपके अगर इंडिया में आप पायलट बनना चाहते हो तो। क्लास 12th में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इन फिजिक्स एंड मैथ, इंडिविजुअली 50-50% आपके मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और साथ साथ आपकी एज 16 इयर्स मिनिमम होनी चाहिए अगर आप पायलट के स्टूडेंट बनना चाहते हो तो। और अगर आप जो पायलट का जो प्राइवेट लाइसेंस है वो लेना चाहते हो तो उसकी मिनिमम एज 17 इयर्स होनी चाहिए, और 18 इयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए अगर आप कमर्शियल पायलट बनना चाहते हो तो। जो फ्लाइट्स होती है उनको अगर फ्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम एज आपकी यहां पर 18 इयर्स होनी चाहिए। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन रहती है वो 2 से 3 इयर्स रहती है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स, आप कौन सा कोर्स यहां पर कर रहे हो। इसका जो एग्जाम होता है, जो एडमिशन प्रोसीजर होता है वो सेम आपका यहां पर जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जितने भी इंडिया जो फ्लाइंग स्कूल्स हैं, फ्लाइंग जो कॉलेज हैं, उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो आपको क्रैक करना होता है। उसकी भी प्रिपरेशन आपकी ऑन अराउंड 1 ईयर की जो प्रिपरेशन होती है वो रहती है, या फिर 6 मंथ्स में भी अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो 6 मंथ्स में भी आप ये जो एग्जाम है वो क्रैक कर सकते हो। यहां पर बस आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो काफी अच्छा रहने वाला है। आप इसको आउटसाइड ऑफ इंडिया भी कर सकते हो क्योंकि वहां पर आपकी थोड़ी जो मनी है वो सेव हो जाएगी, आप ये 60-70 लाख में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप यहां पर एक कमर्शियल पायलट बनना चाहते हो तो आपको 18 मंथ से लेकर 24 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप जो कमर्शियल पायलट का जो लाइसेंस है वो इशू करा सकते हो। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप जो पायलट है, को पायलट है, और जो एयरपोर्ट पे और ज्यादा मतलब कि जो पायलट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती है उन सब जॉब्स के लिए एलिजिबल रहते हो, और ऑन अराउंड 2 लाख से लेके 8 लाख पर मंथ भी आप यहां पर अर्न कर सकते हो। तो मतलब पायलट की जो इनकम होती है वो काफी अच्छी इनकम होती है इन इंडिया, और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप यहां पर कहीं पर भी जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट एंड जो फिफ्थ आपका कोर्स आता है, जो सबसे डिमांडेड कोर्स होता है और काफी स्टूडेंट्स इस कोर्स की साइड भी जाते हैं, जो कि आपका जाता है बैचलर ऑफ साइंस या फिर हम बोल सकते हैं बीएससी। बीएससी भी आप काफी सब्जेक्ट्स में कर सकते हो, लाइक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हो गए, आपका स्टैटिक्स हो गया, आपके साइकोलॉजी हो गया, मतलब बहुत सारे आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं, लाइक आपकी लिस्ट कुछ इस तरीके से। इन सभी सब्जेक्ट्स में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उस सब में आप क्या उस सब्जेक्ट में आप अपनी जो ये डिग्री है इसको परस्यू कर सकते हो। क्लास 12th में ऐसे मिनिमम आपकी कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, बस क्लास 12th आपकी पास होनी चाहिए अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो। बट डिपेंड करता है किस कॉलेज में आप लेना चाहते हो, कुछ कॉलेज में आपका जो एडमिशन होता है वो परसेंटेज के बेसिस पर, मेरिट बेसिस पर होता है, तो वहां पर आपको परसेंटेज की नीड होगी। तो आपको मैक्सिमम जितनी आप परसेंटेज यहां पर स्कोर कर सकते हो क्लास 12th में उतनी आपको करके चलनी होगी। बाकी आपके जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, वहां पर आपका जो उसका एडमिशन प्रोसीजर है वो आपका CUET एग्जाम के थ्रू आपका कराया जाता है। मींस आपको ये एग्जाम क्रैक करना होता है और इसकी प्रिपरेशन आप ऑन अराउंड 4 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हो। उसके ऑनलाइन ऑफलाइन काफी कोचिंग होती है, और अगर इस एग्जाम को आप सेल्फ स्टडी से क्रैक करना चाहते हो तो वो भी आप बहुत ईजिली कर सकते हो। बेसिक आपका जो क्लास 12th का जो सिलेबस है, क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो सिलेबस है वो आपका इसमें से MCQ जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं, और इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद जो टॉप यूनिवर्सिटीज है लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU और भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, वहां से आप जो BSc का जो कोर्स है उसको परस्यू कर सकते हो। ये कोर्स की ड्यूरेशन आपकी 3 से 4 इयर्स रहती है। 3 इयर्स में आपको जो बैचलर की डिग्री है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, और 4 इयर्स की अगर आप करते हो तो यहां पर जो वन ईयर है उसमें आपको एक्स्ट्रा रिसर्च का जो वर्क है वो कराया जाता है, और यहां पर आपको ऑनर्स की जो डिग्री है वो प्रोवाइड की
जाती है। ये डिग्री परस्यू करने के बाद आपके पास करियर और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज वो भी काफ़ी होती हैं। आप यहाँ पर एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, जहाँ पर आपकी बैचलर डिग्री रिक्वायर होती है, वो सब एग्जाम्स आप यहाँ पर दे सकते हो। और ऑन अराउंड आप 2 से लेके 8 लाख पर एनम जो है आप मनी यहाँ पर अर्न कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द आपने किस कॉलेज से यहाँ पर अपनी डिग्री परस्यू की है। वैसे ज़्यादातर जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो बीएससी जो करते हैं वो एक हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो, फिर आप अपनी पीएचडी परस्यू कर सकते हो इंडिया में रहकर, या फिर इंडिया के बाहर भी आपको काफी ऑप्शंस होते हैं पीएचडी करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपका ये कोर्स आ जाता है बीएससी। सो नेक्स्ट एंड सेवंथ आपका जो कोर्स आ जाता है वो आ जाता है नेशनल डिफेंस सर्विसेज। ये कोर्स आप करने के लिए आपको एक एग्जाम क्रैक करना होगा जो कि आपका जाता है एनडीए। क्लास 12th करने के बाद आपको फिजिक्स और मैथ्स और इंग्लिश इन तीनों सब्जेक्ट्स का एक एग्जाम होता है, उसको आपको क्रैक करना होता है, तभी आप जो नेशनल डिफेंस सर्विसेज होती हैं इसमें आप बीएससी और जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है इन कोर्स को परस्यू कर सकते हो। 3 इयर्स की इसकी कोर्स की ड्यूरेशन रहती है, और क्लास 12th में एज सच आपका कोई मिनिमम परसेंटेज का यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। बस आपको जो ये एग्जाम है वो क्रैक करना होता है, और साथ साथ आपको फिजिकली फिट होना होता है, और आपकी जो आई साइट है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होनी होती है। यहाँ पर आपके पास काफ़ी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो इंडियन आर्मी में जो टॉप पोस्ट होती हैं वहाँ पर आपकी प्लेसमेंट होती है, मींस वहाँ पर बेसिकली आप अपना जो इंडियन आर्मी में सर्व कर सकते हो आफ्टर डूइंग द एनडीए के जो पूरा कोर्स है उसको कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट एंड जो सेवंथ आपका कोर्स आ जाता है वो आ जाता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव मींस बीबीए। ये कोर्स भी काफ़ी स्टूडेंट्स आज की डेट में परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि बीबीए करने के बाद आप एमबीए कर सकते हो, और जो अगर आप जो कॉरपोरेट जॉब्स है उसमें जाना चाहते हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हो, तो इस कोर्स के थ्रू आप उसमें जा सकते हो। क्लास 12th में मिनिमम एज सच आपकी कोई परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, बस क्लास 12th आप पास होनी चाहिए, और यहाँ पर आपका सीयूडी का जो एग्जाम होता है, अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हो, तो यहां पर आपका जो सीयूटी का एग्जाम है उसको आपको क्रैक करना होता है। सीयूटी का एग्जाम बड़ा सिंपल होता है, क्लास 12th का जो सिलेबस है सेम वही क्वेश्चंस आपको यहां पर एमसीक्यू की फॉर्म में पुट अप किए जाते हैं, उनको एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप इस कोर्स को किसी टॉप यूनिवर्सिटी से परस्यू कर सकते हो। ये कोर्स करने के बाद आप एमबीए भी परस्यू कर सकते हो, या फिर आपकी जो डाटा एनालिस्ट की और जो ये जॉब्स होती है, काफ़ी जॉब्स होती हैं, इन सब को जॉब्स को परस्यू कर सकते हो। सो नेक्स्ट एंड जो 8th आपका जो कोर्स आता है वो आपका आ जाता है बैचलर ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स मीन्स बीए। इसमें भी आपके पास काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक आपका जियोग्राफी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। जिस कोर्स में भी मीन्स जिस सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है और जिसमें आगे आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसमें आप अपना ये कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 3 से 4 इयर्स रहती है। 3 इयर्स आपकी जो नॉर्मल बैचलर डिग्री है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, और अगर आप यहाँ पर 1 ईयर का रिसर्च वर्क करते हो तो यहाँ पर आपको 4 इयर्स की जो ऑनर्स डिग्री है वो प्रोवाइड की जाएगी। क्लास 12th में मिनिमम आपके यहाँ पर कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, जो मैक्सिमम जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर आपका सीयूटी एग्जाम के थ्रू यहाँ पर जो एडमिशन है वो कराया जाता है। सीयूटी एग्जाम में सेम आपका क्लास 12th का सिलेबस आएगा, क्लास 12th में आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं सेम वही उन्हीं सब्जेक्ट्स में से एमसीक्यू फॉर्म के जो आपके क्वेश्चन है वो आपसे पुट अप किए जाते हैं, और ये एग्जाम क्रैक करने के बाद आप जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से जो बीए की डिग्री है वो परस्यू कर सकते हो। ये डिग्री परस्यू करने के बाद आप जॉब भी कर सकते हो, या फिर जो हायर एजुकेशन है एमए, पीएचडी, इसके लिए भी जा सकते हो। आप एज ए रिसर्चर भी काम कर सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, सोशल वर्कर, मतलब काफी आपकी जॉब्स होती है, और साथ साथ यहां पर जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और जो एग्जाम्स हो गए, काफी एग्जाम जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब भी आप परस्यू कर सकते हो। उनका अलग से एग्जाम्स होता है, उनकी वीडियो मैंने स्पेशली अलग से बनाई है। अगर आप क्लास 12th के बाद जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, या फिर बैचलर की एक बैचलर डिग्री करने के बाद जो आपके गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्स आप दे सकते हो, और किस एग्जाम को किस तरीके से आपको क्रैक करना है, कौन सा एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको किस टाइप की पोस्ट दी जाती है, उसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। सो ये सभी जो कोर्सेज आ जाते हैं, ये आ जाते हैं अगर आप क्लास 12th आपने पास कर लिया, या फिर अभी आप क्लास 12th में हो और आप एक पीसीएम के स्टूडेंट हो, तो ये सारे जो टॉप और बेस्ट कोर्सेज हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हो, और इन लैक्स और इन करोड्स में आप सिंपली क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। ये कुछ कोर्सेज आते हैं, और भी काफ़ी कोर्सेज आते हैं। देखो, एक जो साइंस का स्टूडेंट्स होता है वो 90% जो कोर्सेज होते हैं उनको परस्यू कर सकते हैं, जैसे बीकॉम हो गया, और भी जो कोर्सेज हैं उनको आप परस्यू कर सकते हो। बट ये जो कुछ
टॉप कोर्सेज थे जिनको अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपके पास काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, काफी अच्छी आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है। आपको तीन चीजों का और ज्यादा ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जिस भी कॉलेज से आप डिग्री कर रहे हो वहां का जो क्राउड है वो भी अच्छा होना चाहिए। मीन्स आप एक टॉप कॉलेज, टॉप यूनिवर्सिटी से इन डिग्री को परस्यू करना, ताकि जो आपको इन्वायरमेंट मिले वो भी आपको बेस्ट इन्वायरमेंट मिले। सेकंड जो चीज का आपको ध्यान रखना है, ये कोर्स करने के साथ साथ आपको साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं वो भी साथ साथ करते रहना है, ताकि आप अपने आप को मार्केट रेडी बना सको। थर्ड चीज का आपको जो ध्यान रखना है वो आपकी आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप क्वालिटी। मीन्स आपको अपनी पर्सनैलिटी वाइज भी आपको अपने आप को काफी इंप्रूव करना होगा। जितने भी आप कॉलेज में 3-4 ईयर्स का जो आपका जो टाइम है वो वहां पर स्पेयर करोगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें भी जरूर सीखने को मिलेंगी। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अगर आपका कोई डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बाकी अगर आप किसी कोर्स के बारे में प्रॉपर एक वीडियो चाहते हो तो उस कोर्स का नाम आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बाकी चैनल पर पहले से काफी हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए पहले से अपलोडेड है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो ये सब कुछ रहता हमारा इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।